हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहित चौहान और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहाँ पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट और स्विफ्ट के VXI वेरिएंट को। कीमत की बात करें तो फ्रॉन्क्स का जो सिग्मा वेरिएंट है वो कॉस्ट करता है 7,51,000 रुपये एक शोरूम, और वहीं जो स्विफ्ट का VXI वेरिएंट है वो कॉस्ट करता है 7,29,000 रुपये एक शोरूम। प्राइस के मामले में इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, और आज की इस वीडियो में आपको मैं एंड में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए या स्विफ्ट। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों के सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं। तो स्विफ्ट के अंदर आपको जो है इस गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक देखने को मिल जाएगा। ये नई 2024 वाली फेसलिफ्टेड स्विफ्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको जो है प्रोजेक्टर में हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्रोम इंटीग्रेटेड मिल जाता है, और यहाँ पर आपको हेलोजन में इंडिकेटर मिलेगा, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कोई भी फॉग लैंप वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है। ग्रिल कुछ इस तरीके की ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलेगी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सुजुकी का लोगो यहाँ पर मिल जाता है। ओवरऑल अगर लुक की बात की जाए तो स्विफ्ट इस फेसलिफ्ट के साथ में मतलब बढ़िया सी लगती है, लुक्स के मामले में कोई इशू नहीं है। और अगर फ्रॉन्क्स की बात करें तो फ्रॉन्क्स के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि हेलोजन में है, पायलट लैंप दे रखे हैं जो कि अगेन वो भी हेलोजन में ही है, और यहाँ पर भी आपको बेस मॉडल से ही प्रोजेक्टर में हेडलाइट सेटअप मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों के अंदर हेलोजन हेडलाइट सेटअप आपको मिलता है, और ये जो आप देख पा रहे हो ये एक्सेसरी का पार्ट है। यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर कोई भी आपका जो फॉग लैंप है उसके लिए हाउसिंग नहीं मिलेगी, लेकिन स्विफ्ट के अंदर वो मिलती है क्योंकि उसका हेडलाइट सेटअप ऊपर की तरफ मिलेगा। टोइंग हुक यहाँ पर मिल जाता है, ग्रिल कुछ इस तरीके की मिलेगी, क्रोम गार्निश यहाँ पर मिल जाती है, सुजुकी का लोगो दे रखा है। और ओवरऑल अगर लुक की बात की जाए तो फ्रॉन्क्स ज़्यादा मतलब उठी उठी लगती है, लुक्स के मामले में ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रॉन्क्स एज कम्पेयर टू स्विफ्ट। बाकी आप साइड बाय साइड देख ही सकते हैं दोनों ही गाड़ियों में से आपको किस गाड़ी का जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा देखने में लगेगा। तो मुझे पर्सनली जो फ्रॉन्क्स है उसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और बेस मॉडल से इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में वो डिटेल में तो अपन बात करने ही वाले हैं। बाकी अगर साइड लुक की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का साइड लुक यहाँ पर आपको स्विफ्ट के अंदर मिल जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर व्हील कैप दे रखी है। जो टायर प्रोफाइल है वो आपका है 165/80 R14, आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स है, और 163mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। यहाँ पर VXI वेरिएंट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल मतलब इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM देखने को मिलेंगे, फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है, और रूफ रेल वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं, और 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको नॉर्मल एंटीना मिल जाएगा, और ओवरऑल अगर लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पर आपको स्विफ्ट के VXI वेरिएंट के अंदर मिलता है। अगर फ्रॉन्क्स के साइड लुक की बात करें तो फ्रॉन्क्स के अंदर आपको जो है कुछ इस तरीके का साइड लुक देखने को मिलेगा। फ्रॉन्क्स का जो साइड लुक है वो भी अच्छा लगता है देखने के मामले में, उसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको 16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल है 195/60 R16, आगे डिस्क है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स है। यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल है वो आपको बड़ा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट, और जो व्हील कैप है वो भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको स्विफ्ट से ज़्यादा देखने को मिलेगी वो है ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर 190mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। फेंडर पर इंडिकेटर दे रखा है क्योंकि ये बेस मॉडल है। ORVM ना ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है ना ही फोल्डेबल, केवल आपको हाथ से फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर बॉडी कलर डोर हैंडल भी नहीं आते हैं, ये डोर हैंडल मतलब इस कलर के साथ मर्ज हो रहे हैं, वरना अगर वाइट में आप देखोगे तो ये ब्लैक ब्लैक से अलग झलकते हैं। यहाँ पर आपको रूफ रेल दे रखी है बेस मॉडल से, और शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर रियल लुक की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों का रियल लुक आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर कुछ इस तरीके का रियल लुक देखने को मिलेगा। ये CNG है तो इसे माइंड मत करना, क्योंकि CNG और पेट्रोल में सच कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं फीचर के मामले में, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल CNG टैंक का डिफरेंस है जिसके आपको 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफॉगर आपको मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप दे रखा है, सुजुकी का लोगो यहाँ पर मिल जाता है, और जो फ्रॉन्क्स का टेल लाइट सेटअप है वो देखने में ज़्यादा बढ़िया लगता है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको LED में 3 लाइट देखने को मिल जाएगी, इंडिकेटर आपको LED में मिलता है, रिवर्स लैंप भी आपको LED में मिलता है, और ये कनेक्टिंग केवल मतलब रिफ्लेक्ट करता है, जलता नहीं है। 4 पार्किंग सेंसर और 2 रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिल जाएंगे। सुजुकी का लोगो सेंटर में मिल जाता है, फ्रॉन्क्स की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी अगर बात करें अपन स्विफ्ट की तो स्विफ्ट के अंदर आपको कुछ इस तरीके का साइड लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको VXI वेरिएंट के अंदर भी डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दे रखा है, सुजुकी का लोगो है, और स्विफ्ट की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको कोई भी कैमरा वगैरह देखने को नहीं मिलेगा।
यहाँ पर भी आप देखेंगे तो LED में टेल लाइट सेटअप मिल जाएगा। बस यहाँ पर जो इंडिकेटर और रिवर्स लैंप है वो आपको हेलोजन में मिलेंगे, लेकिन फ्रॉन्क्स के अंदर वो चीज़ें नहीं है। दोनों ही गाड़ियों का रियर लुक आप साइड बाई साइड देख सकते हैं। मुझे पर्सनली जो है फ्रॉन्क्स ज़्यादा अच्छी लगती रियर से, पता नहीं क्यों, आपको जो लगती हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी अगर बूट स्पेस की बात करें तो स्विफ्ट के अंदर आपको जो है कम बूट स्पेस देखने को मिलेगा। स्विफ्ट के अंदर आपको 265 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं तो फ्रॉन्क्स के अंदर जैसे ये CNG है, अगर CNG को हटा दो तो यहाँ पर आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बटन भी दे रखा है, जो आपको ग्रैब हैंडल है वो भी मिल जाएगा। और 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर मिलेगी, लेकिन वो चीज़ें आपको यहाँ पर स्विफ्ट के अंदर नहीं मिलती है। पार्सल ट्रे यहाँ पर आपको जरूर VXI वेरिएंट के अंदर मिलेगी। यहाँ पर ग्रैब हैंडल दे रखा है, यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बूट है वो खोल सकते हो। और ये जो सीट है ये आपकी फिक्स्ड देखने, मतलब ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं मिलेंगे, ये भी फिक्स्ड मिलेंगे। और सीट पूरी बेंच फोल्ड होती है। स्पेयर टायर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि है आई थिंक R14 सेमी साइज़ का स्पेयर टायर मिलता है, तो वो एक अच्छी बात है। फ्रॉन्क्स के अंदर भी आपको सेमी साइज़ का स्पेयर टायर मिलेगा। इसके अंदर भी 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, इसके अंदर भी 37 लीटर की ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आपको पहले स्विफ्ट का दिखा देता हूँ, की बात करते हैं उससे पहले तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर एज इट इज सेम की देखने को मिलेगी। जैसे ये स्विफ्ट की है, ये फ्रॉन्क्स की है। की के अंदर ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं है। पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलता है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेंटर लॉकिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये चाबी इसमें लगा देते हैं। इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको स्विफ्ट के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक थीम में इंटीरियर मिलता है। ये मैं ऑन कर दूँ, रुको। चारों पावर विंडो मिलती है, ड्राइवर साइड की विंडो वन टच डाउन वन टच अप, जो ओआरवीएम है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलेंगे। क्रोम डोर हैंडल है, लॉक अनलॉक कर सकते हो। बोटर होल्डर स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर चार स्पीकर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको फ्रॉन्क्स के अंदर नहीं मिलते हैं। फ्रॉन्क्स के अंदर आपको चार स्पीकर और इंफोटेनमेंट वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ पर जो एक और प्लस पॉइंट है स्विफ्ट के अंदर वो है छः एयरबैग यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेंगे। सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर दे रखा है, बोटल होल्डर मिल जाता है। VXI वेरिएंट के अंदर कोई भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं है, जो कि पहले आया करती थी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ABC पेडल दे रखे हैं, डेड पेडल भी मिल जाएगा। आपका जो बोनट ओपनर है वो मिल जाता है, फ्यूल ओपनर मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी मिल जाएगा। अब बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पर आपको जो है इस गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके का इंटीरियर देखने को मिलता है। और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी यहाँ पर आपको स्विफ्ट के VXI वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो टेलीफोनी के कंट्रोल्स हैं। सुजुकी का लोगो है, एयरबैग की बैजिंग, सुजुकी का लोगो है, एयरबैग की बैजिंग है। और इस गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में ही आता है, टेलीस्कोपिक यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो हेडलाइट के कंट्रोल, यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और कुछ इस तरीके का आपको इस गाड़ी के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। ये आपका टेकोमीटर है, ये स्पीडोमीटर है, बीच में वही डिजिटल MID जिसके अंदर आपको रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज वगैरह सब शो कर देगा। और रियर के जो सीट बेल्ट है, किस किसने लगा रखा है, किस किसने नहीं लगा रखा है वो भी यहाँ पर आपको शो कर देता है। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर एक और प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है वायरलेसली, उसके अंदर वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको AC वेंट मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके के हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आपको 4 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। मैनुअल AC यहाँ पर आपको इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा। AC मैक्स का बटन भी दे रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो USB के लिए एक पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। फ़ोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, मैनुअल हैंड ब्रेक। और यहाँ पर भी आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेंगे। और ये जो पूरा सिस्टम है ड्राइवर ओरिएंटेड देखने को मिलेगा। और मैनुअल डे एंड नाइट IRVM यहाँ पर मिल जाता है, वो एक अच्छी बात है। हेलोजन में लाइट दे रखी है। और इस साइड टिकट होल्डर और इस साइड आपको वेनिटी मिरर भी मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट सी स्पेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप ग्रैब हैंडल वगैरह है वो भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर 2 आगे के एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, पीछे के नहीं मिलते हैं। यहाँ के हेडरूम की बात करें तो यहाँ पर जो हेडरूम है वो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। हेडरूम के मामले में इस गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है। ओवरऑल जो कम्फर्ट है उसके अंदर स्विफ्ट में बहुत ही कम लोग शिकायत करते हैं। और यहाँ से जो इस गाड़ी का इंटीरियर है वो ओवरऑल आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन फ्रॉन्क्स की तरफ और वहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर कैसा इंटीरियर मिल जाता है उसकी बात करते हैं।
फ्रॉन्क्स की बात करें तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आप फ्रॉन्क्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये ड्यूअल टोन में मिलता है तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, लुक्स के मामले में अच्छी फिनिश यहाँ पर मिलेगी आपको। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों पावर विंडो मिलती है ड्राइवर साइड की, यहाँ पर भी वन टच डाउन वन टच अप के साथ में मिलेगी, सॉफ्ट टच एलिमेंट है और यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज फिनिश मिल जाती है। डोर हैंडल दे रखा है, वाटर होल्डर है, स्पीकर की जगह दे रखी है लेकिन स्पीकर वगैरह यहाँ पर नहीं आते हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट यहाँ पर भी नहीं मिलेगी और ORVM के कंट्रोल भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ORVM आपको हाथ से फोल्ड और अनफोल्ड करने पड़ेंगे क्योंकि ये बेस मॉडल है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, अगर आप CNG नहीं लेते हो तो यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ABC पेडल मिल जाते हैं और डेड पेडल भी दे रखा है। यहाँ से आप अपना फ्यूल लिड खोल सकते हैं, यहाँ से आप बोनट खोल सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर मिल जाता है। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो एकदम खाली खाली सा देखने में लगेगा, उसके अंदर जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेंगे लेकिन ये बेस मॉडल है इसलिए यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली है। हेडलाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी केवल टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आपको देखने को मिलता है। अगर मैं डोर बंद करूँ, देखो यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। और एक तो पता नहीं क्यों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ठीक से मुंह से निकलता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टेकोमीटर है या स्पीडोमीटर है, बीच में वही डिजिटल MID है जिसके अंदर रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज वगैरह सारी चीज़ें शो कर देता है। एज इट इज सेम है, बस उसके अंदर ये थोड़ा सा नया डिज़ाइन का है, इसके अंदर वो मतलब रेगुलर गाड़ियों के जैसा ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर मैनुअल डे एंड नाइट IRVM मिल जाता है बेस मॉडल से, और यहाँ पर कोई भी टिकट होल्डर ना वेनिटी मिरर मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको ना वेनिटी मिरर ना टिकट होल्डर मिलता है। इसके अंदर कोई भी इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह नहीं आती है, ना ही स्पीकर आते हैं, ये आफ्टर मार्केट कंपनी से लगाए हुए हैं। अगर आप भी लगवाना चाहते हो तो ओशियन मोटर्स फली डबल चौकी इंदौर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपको नेक्सा अरीना दोनों की गाड़ियाँ मिल जाएगी। हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर जो इंटीरियर है वो ज़्यादा प्रीमियम लगता है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट। स्विफ्ट के अंदर एकदम बेसिक सा इंटीरियर मिलेगा, मतलब पूरा ब्लैकड आउट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा इंटीरियर मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट। उसके बाद यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगा, जो कि आपको स्विफ्ट के अंदर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, ये जो है शोरूम वालों ने निकाला है इसके लिए। फ़ोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर, दोनों ही गाड़ियों के अंदर 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और यहाँ पर आपको जो है मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है। आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पर भी नहीं दे रखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्लव बॉक्स के अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। ओवरऑल जो चीज़ें हैं यहाँ पर बेस मॉडल के अंदर आपको अच्छी मिल जाती है। और अगर स्विफ्ट की बात करें तो यहाँ पर मतलब आपको चारों पावर विंडो दे रखी है, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, डिफॉगर भी दे रखा है, बस आपको स्टीरियो लगाने का खर्चा एक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चेंज मैं आपको एंड में बताऊँगा कि दोनों ही गाड़ियों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। अब चलते हैं इन गाड़ियों के रियर सीट्स में और आपको स्पेस दिखा देता हूँ। यहाँ के हेडरूम की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है अच्छा खासा हेडरूम मिल जाएगा। फ्रॉन्क्स के अंदर भी इसके स्पेस के मामले में कोई इशू नहीं है। एक प्लस पॉइंट और है यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर कि यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडर्स मिलेंगे 5x5 और 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट्स भी मिल जाती है। और अगर बात करें रियर में चलकर तो मैं रियर में आपको स्पेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम देखने को मिलेगा। पावर विंडो का बटन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपको डोर हैंडल है वो मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर बॉर्डर होल्डर मिल जाएगा, और रियर में आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट, 3-पॉइंट सीट बेल्ट तीनों ही पैसेंजर के लिए, और सेंटर में भी आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। अगर स्पेस की बात करें तो फ्रॉन्क्स के अंदर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। स्पेस के मामले में यहाँ पर कोई इशू नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फ़ोन आप यहाँ पर अपना रख सकते हो, यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आप अपना कोई भी सामान वामान एक और रख सकते हो। हम्प भी छोटा सा ही है, 3 लोग तो आप यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ ही सकते हो। एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लाइट दे रखी है जो कि हेलोजन में है, ठीक है। और अगर चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है फ्रॉन्क्स के अंदर भी। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम के मामले में भी कोई इशू आपको यहाँ पर फ्रॉन्क्स के अंदर नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं हम स्विफ्ट की कि स्विफ्ट के अंदर आपको कैसा क्या स्पेस मिल जाता है। तो चलिए स्विफ्ट की ओर चलते हैं और स्विफ्ट का स्पेस आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सीट मैं थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ क्योंकि मैंने जो है ज़्यादा पीछे कर रखी है इसको। बाकी अगर स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट के अंदर कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम देखने को मिलेगा।
यहाँ पर आपको जो डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम डोर हैंडल मिलेंगे, उसके अंदर वो आपको मतलब एकदम बेसिक से मिलते हैं। उसके बाद पावर विंडो का बटन है, बॉर्डर होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है और ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। कोई भी सॉफ्ट टच एलिमेंट वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीनों ही पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो मिलते हैं, लेकिन कोई भी आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट्स नहीं मिलेगी और ना ही तीनों ही पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। अगर आपको स्पेस दिखाऊँ तो स्पेस यहाँ पर आप देख सकते हो, स्पेस के मामले में स्विफ्ट के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम के मामले में यहाँ पर कोई इशू नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा कर्व है लेकिन हेडरूम के मामले में उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल यहाँ पर दे रखे हैं, इसमें लाइट आगे की तरफ मिलेगी, उसमें यहाँ पर सेंटर में दे रखी है और यहाँ से जो आप स्विफ्ट का इंटीरियर है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन की, क्योंकि इंजन में सबसे बड़ा चेंज आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलता है। तो चलिए दोनों ही गाड़ियों के इंजन की ओर बढ़ते हैं और इंजन की बात करते हैं। इंजन की बात करें तो पहले मैं आपको स्विफ्ट का इंजन दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पर जो डाउनग्रेड है वो स्विफ्ट के इंजन के अंदर ही है। यहां पर आपको मिलेगा 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 80 bhp की और 112 nm का टॉर्क। इसका जो 3 सिलेंडर इंजन है वो माइलेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मारुति ने इंट्रोड्यूस किया, 24 किलोमीटर प्रति लीटर की इस गाड़ी की जो क्लेम माइलेज है वो मिलती है। लेकिन उस 3 सिलेंडर इंजन से जो स्विफ्ट का वो फील था वो गायब हो चुका है लिटरली, और इसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो टाटा के लेवल की अब आ चुकी है। इसका वाइब्रेशन टेस्ट भी हमने कर रखा है, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर बात करें फ्रॉन्क्स की तो फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। 4 सिलेंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि ड्यूअल जेट VVT इंजन है, काफ़ी सही इंजन है, चलने के मामले में काफ़ी सही है, पेपी है। और इस गाड़ी के पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 88.50 bhp की पावर मिलेगी और टॉर्क मिलेगा 113 nm का टॉर्क। और इस गाड़ी का जो कंप्लीट क्लेम माइलेज है वो है 22 किलोमीटर प्रति लीटर, उसका 24 किलोमीटर प्रति लीटर है। और मतलब माइलेज के लिए स्विफ्ट जानी जाती है, लेकिन फ्रॉन्क्स के अंदर आपको चलने में अच्छा फील मिलेगा, 4 सिलेंडर इंजन है तो रिफाइनमेंट भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है। और ओवरऑल जो मतलब बिल्ड है वो फ्रॉन्क्स के अंदर ज़्यादा सही है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट। स्विफ्ट थोड़ी सी आज भी है तो हल्की, भले ही 6 एयरबैग दे दिए, लेकिन फ्रॉन्क्स जो है वो थोड़ी सी ओवरऑल सही चीज़ों के साथ में मिल जाती है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। कंक्लूजन पे आए तो मेरे हिसाब से देखो, स्विफ्ट आपको पड़ेगी 7,29,000 रुपये एक शोरूम और फ्रॉन्क्स पड़ेगी 7,51,000 रुपये एक शोरूम। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो आपको फ्रॉन्क्स के अंदर ज़्यादा सही देखने को मिलेगी। फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, अच्छी लुक्स देखने को मिल जाती है, भले ही 6 एयरबैग यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के अंदर ज़्यादा सही देखने को मिलेगी। स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट के अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, तो उससे जो माइलेज जो है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो चलने के मामले में फील है वो यहाँ पर आपको स्विफ्ट के अंदर कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो फ्रॉन्क्स है उसके अंदर ज़्यादा सही आपको फील मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो सही चॉइस रहेगी इस प्राइस रेंज के अंदर, मतलब 9 लाख के अंदर अंदर अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से जो है आपके फ्रॉन्क्स जो है ज़्यादा सही चॉइस बनेगी। इसमें आप आफ्टर मार्केट स्टीरियो वगैरह डाला लो तो ये गाड़ी आपको कभी भी निराश नहीं करने वाली है, लेकिन जो स्विफ्ट है उसके अंदर आपको पावर लैक फील होने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो, मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।